हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन 2022 यानी DU एडमिशन, न्यू एडमिशन 2022 के लिए जो CUET यानी जो CUSET कराया जा रहा है, जो CUET कराया जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कराया जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस नहीं पता और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के न्यू स्टूडेंट हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हो, टेस्ट में अगर आप बैठोगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आप CUSET के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय 2022 सेशन के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो देखिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का पहले मैं आपको बता दूं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है। तो MCQ रहने वाला है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब MCQ रहेगा, चार में से एक ठीक होगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन होंगे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, सेम वैसे ही, ठीक है। और जो डिज़ाइन रहने वाला है, वो चार भागों में डिवाइड किया जाएगा सेक्शन में पेपर को। और सिलेबस के बारे में ज़रा टाइमिंग भी आप देख लीजिए, टाइमिंग रहेगी 9 से 12:15 के बीच स्लॉट 1 की, और स्लॉट 2 की 3 से 6:45 तक, ठीक है। 60 मिनट से 195 मिनट तक का टाइम आपको दिया जाएगा, और आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। और PWD वालों को 15 से 45 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सिलेबस है इसका, इसमें सेक्शन ए का जो पेपर रहेगा, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज मतलब जो आप चूज़ करोगे लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी पसंद है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको उसमें एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है कि आप हिंदी इंग्लिश किस लैंग्वेज में एक सेक्शन देना चाहते हो। तो उसमें आपको हिंदी लिटरेची जो भी आपका मन हो, वोकेबलरी जो मर्जी आपका मन हो, एक एक सेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन रहेगा, उसमें आपका NTA वेबसाइट पे इसके बारे में डिटेल दे रखी है। और जो सेक्शन 3 है आपका, इसमें आपके क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बता दूँ, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो कुल मिला के ये पूरा सिलेबस है सेक्शन 3 के अंदर। एक तो लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन फॉर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेट टॉप और टिल, मतलब कुल मिला के बात ये ग्रेड एट का, मतलब कुल मिला के बात ये कि SSC की जैसे तैयारी करते हो आप, सेम वो ही इसका सिलेबस रहने वाला है MCQ के बेस पे, ठीक है। तो ये वीडियो सिलेबस के लिए थी जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।